कि ऑप्शंस में आपके लिए कहां पर मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, ये जानेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस का चैंपियन। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश बताइए, आज क्या स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे पैसे बनेंगे आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए व्यू अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। आज फिर से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल्स टच होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और फोकस करना होगा उन स्टॉक्स पे जहाँ पे अगर बाजार वॉलेटाइल भी हो जाता है तो स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट ना हो। तो एशियन पेंट ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमारी नजरें हैं आज लगातार। इनफैक्ट पिछले कुछ एक दिनों से हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। ये यहाँ से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई मार्क 3590 के आसपास है, लगभग 3600 की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है जुलाई सीरीज में ही हमें वो लेवल देखने को मिले, तो इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3500 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 53 रुपीज के आसपास है, 48 से 54 ये एक रेंज होगी, इस रेंज के अंदर इसे खरीद के चलने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तर पर 70 रुपीज से 90 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 31 रुपीज का। जो टोटल कुल प्रीमियम इस पर्टिकुलर स्प्रेड को इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को खरीदने में लगेगा वो होगा 11,000 का। मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है 8,000 रुपीज का और जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 3,800 का होगा। अगर 31 रुपीज पे एसएल होता है तो 3,800 रुपीज का लॉस होगा। तो यहाँ पे अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 70 रुपीज से 90 रुपीज तक की है। तो यहाँ पे एशियन पेंट में 3500 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह होगी। एशियन पेंट्स की 3500 की कॉल खरीदनी है और हम देख रहे हैं कि 3500 रुपये के आसपास ही एशियन पेंट्स का भाव है। शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी और यहाँ से थोड़ी तेज़ी अब बन रही है। 48 से 54 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा 3500 स्ट्राइक वाली कॉल। और लक्ष्य इसमें पहला लक्ष्य 70, दूसरा लक्ष्य 90 और स्टॉप लॉस इसमें लगा के चलना है 31 का। अधिकतम फ़ायदा 8,000 रुपये का और अधिकतम नुकसान की बात करें तो उससे आधे का आंकड़ा है 3800 रुपये के आसपास का। नीलेश बहुत शुक्रिया ये बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए।